नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। औरैया अखिलेश यादव पहुंचे और यहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा, प्रदेश सरकार के ट्विन डिप्टी सीएम ने ट्विन सेम ट्वीट किए हैं, जिसमें आप सब समझ सकते हैं कि इनको जो भी लिखा हुआ दिया जाता है वही कॉपी पेस्ट करते हैं। और कहा, जो लोग आज ट्विन टावर की बात कर रहे हैं उनके ट्विन डिप्टी सीएम सेम ट्वीट कर रहे हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को जो लिखकर दिया जाता है वो वही ट्वीट कर देते हैं। इनके ही मंत्री लोग कह रहे हैं कि जो भी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल भंग है। जिनके स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये बात स्वीकारी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। इसके अलावा भी कई मंत्रियों ने इस बात को स्वीकारा है। राजपर पर बोलने से साफ मना करते हुए कहा कि ये मुद्दा भाजपा का हो सकता है, मीडिया का हो सकता है, हमारे लिए राजभर कोई मुद्दा नहीं है। बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे को उसकी जान चली गई, कौन दोषी है? ये सरकार के लोग जा जाकर अस्पताल में घूम रहे हैं, लेकिन क्या अस्पताल की सूरत बदल रही है? ना दवाई है, ना इलाज है, और अगर ऑपरेशन भी होना है तो महीनों की डेट मिली तब जाकर के ऑपरेशन होगा। जो एम्बुलेंस चली थी वो बर्बाद हो गई, पुलिस की 100 नंबर 112 वो बर्बाद कर दी। आज हर स्तर पर जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो योजनाएं समाप्त हो गई और महंगाई कितनी बढ़ी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो लोग जीएसटी के बहाने दूर रहे तो टैक्स लगा सकते, तो कुछ भी कर सकते हैं। और आपके बगल के जिले में घर का बाद में पुलिस फौज की भर्ती होने जा रही है। अग्निवीर 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, आवेदन 1,13,000 का हुआ। जैसा लग रहा है और आंकड़े बता रहे हैं, 1,10,000 से ज्यादा लोग घर लौट करके आएंगे। और अब खबर चमोली से, जहां नगर पंचायत राली के वार्ड नंबर 4 के प्राणमती के जैता तौक का, जहां पर सुबह अचानक भारी भूस्खलन से 2 आवासीय मकान मलबे में दब गए, जबकि अन्य मकानों में भी मलबा पत्थरों से काफी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने वहां जाकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद प्रशासन की ओर से राजस्व उप निरीक्षक भी मौका निरीक्षण के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस नहर के टूटने से घटना घटी है, उस नहर और पावर हाउस में विद्युत उत्पादन हो ही नहीं रहा है, जबकि इस नहर में बिना वजह के पानी छोड़ा गया। ग्रामीण बताते हैं कि स्थानीय लोगों की अपील पर प्रशासन ने बरसात में इस नहर में पानी नहीं छोड़ने के निर्देश दिए थे, परंतु इसके बावजूद ठेकेदार ने लापरवाही से नहर में पानी छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि यदि नहर में बेवजह पानी नहीं छोड़ा जाता तो ऐसी भयंकर घटना नहीं घटती और लोग बेघर नहीं होते। बता दें कि यहां पर लगभग 10 परिवार निवास करते हैं और सभी भूस्खलन की चपेट में आ गए, जबकि मनोज पुरोहित और गोविंद पुरोहित की मकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। बताया जा रहा है कि घटना के बाद भी ठेकेदार ने नहर का पानी बंद नहीं करवाया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रातः 5 बजे के लगभग अपना नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 4 थराली गांव में जो प्राणमती टूट है, वहां पे बारिश के कारण जो उरोड़ा विभाग के द्वारा जो संचालित पावर हाउस किया जा रहा है उसकी नहर टूटने से अपने प्राणमती में 2 से 3 मकानें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पूर्व में भी पिछले वर्ष जो है कि संबंधित विभाग उरोड़ा को ये बताया गया था स्थानीय लोगों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि भाई यहाँ पे इन लोगों के सुरक्षा की दृष्टि से आप जो उपाय हैं वो करिए और अपने जितने भी यहाँ पे कर्मचारी होते हैं उनको इस बरसात के मौसम पर बिल्कुल एक इस तरीके का काम वो करें कि भाई जिससे लोगों को नुकसान ना पहुँचे। आज सवेरे तकरीबन 5 बजे थराली नगर पंचायत की प्राणमती तोक में लैंडस्लाइड होने के कारण वहाँ पर उरेड़ा की एक नहर है, नहर को टूटने के कारण जो प्राणमती का एक तोक है उसके 3-4 मकानों को भारी क्षति पहुंची हुई है, जिसमें से 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और वहां पर रहने वाले लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका सारा जो सामान है, साजो सामान, वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है। और वहां पर आज सुबह ही जैसे हमें सूचना मिली कि वहां पर ये नुकसान हुआ है, हमारे साथ नगर के नगर अध्यक्ष नगर पंचायत थराली में वार्ड नंबर 4 में प्राणमती स्थित गांव में जो वार्ड 4 में स्थित है वहां पे सुबह 5 बजे के लगभग पेड़ टूटने से पावर हाउस की नहर पे गिरा और वह नहर में इतना पानी था कि सारा पानी वो बस्ती के बीच गया, जहां से कि हमारे उस वार्ड में 3 मकाने जमीजोद हो गई हैं। वो तो भगवान का शुक्र कर रहे हम लोग कि जो वहां पे जान माल का खतरा नहीं हुआ और सारे गांव वाले वहां पे अभी भी बारिश बनी है।
सरोवर नगरी नैनीताल में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस भारत की कल्पना की है उसको हम सबको मिलकर साकार करना है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का भारत दबा कुचला हुआ करता था, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 18,05,00,000 रुपये के सरोवर नगरी नैनीताल में पारंपरिक शैली की कुल 10 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरदोई के शाहबाद इलाके में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 13 छात्राएं अचानक से बीमार हो गई, जिन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद लाया गया। लगभग 8:15 सरकारी एम्बुलेंस 108 के द्वारा 13 लड़कियां कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सरकारी अस्पताल शाहबाद में लाई गई। इसमें कुछ बच्चे पलटी कर रहे थे, कुछ को बुखार है और लगभग सामान्य अवस्था में है। ये सारे बच्चे, सभी बच्चों की मलेरिया की जांच करवाई गई। इसमें एक बच्ची जिसका नाम किरण है उसको मलेरिया पॉजिटिव आया है और दूसरी एक बच्ची है दीप शिखा, उसको जो है यहाँ भर्ती कराया है। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शाहबाद के बच्चे हैं और इनको अभी फीवर आ गया था और मैं इनको तुरंत सरकारी अस्पताल लेके आई हूँ जिससे कि इनका तुरंत ट्रीटमेंट हो सके। कितने बच्चे हैं? ठीक है, 10 बच्चे हैं, तो फीवर आ गया अभी अचानक। इटावा में बीते 24 अगस्त को बंद रेलवे क्रॉसिंग पर झारखंड स्वर्ण जयंती से बाइक टकराने का मामला सामने आया। घटना का लाइव सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये ट्रैक क्रॉस करने की कोशिश बाइक सवार करता है लेकिन अचानक ट्रेन यहां आ जाती है और बाइक सवार बाइक छोड़कर भाग निकलता है। वहीं ट्रेन की चपेट में आने से बाइक के भरकर चिड़ गए। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे ही यहाँ लोग पहुँचते हैं अचानक से दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में एक बाइक सवार यहाँ पर गिर जाता है। हालांकि गनीमत रही कि बाइक सवार मौके से भाग निकला लेकिन बाइक के भरकर चिड़ गए। तस्वीरों में आप देखेंगे जैसे ट्रेन आती है सभी पीछे अचानक कर जाते हैं लेकिन बाइक सवार यहां पर फंस जाता है। बाइक हटाने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन को आता देख बाइक छोड़कर मौके से भाग निकलता है। जौनपुर के शाहगंज नगर के मेन रोड निवासी धीरज पाटिल को एक बड़ा जिम्मेदार मिलने पर मराठी समाज के साथ साथ नगर के लोगों में उत्साह रहा। धीरज पाटिल के आवास पर स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मराठी समाज के अलावा नगर के तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाराजा छत्रपति शिवाजी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। धीरज पाटिल को मराठी समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री बनाए जाने की खुशी में लोगों ने मीठा खिलाकर माल्यार्पण किया। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम हमारे मित्र नितिन अग्रवाल जी ने रखा, उस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आज मुझे उत्तर प्रदेश मराठी समाज की तरफ से प्रदेश मंत्री का पद पर नियुक्त किया गया है, जो मुझे मराठी समाज के अध्यक्ष श्री उमेश अन्ना पाटिल जी की तरफ से नियुक्त किया गया है। मैं उनको और उन्हें और पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, देता हूं कि मुझे इस लायक समझा और उन्होंने प्रदेश के पद पर मुझे नियुक्त किया, जिसकी जिम्मेदारी जो उन्होंने दी है मैं उसे पूरी करूँगा, हर प्रयास करूँगा कि मैं इस जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन कर सकूं। पीलीभीत में खेत में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। मृतक के सर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरा गांव का एक पूरा मामला। बलरामपुर में आशा बहू ने सीएससी अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए। छेड़खानी, गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। सीएससी अधीक्षक समेत एक महिला डॉक्टर पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कोवापुर पीएससी पर तैनात है आरोप लगाने वाली आशा बहू। तुलसीपुर के सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुमित सिंह और महिला डॉक्टर सौम्या नायक पर गंभीर आरोप लगाए।
आगरा में जानवर के साथ इंसान भी जानवर बन गया है या उससे भी बदतर है। थाना एतमादपुर के सवाई गांव का एक पूरा मामला है जहां पर एक बकरी को जबरन युवकों ने शराब पिलाई है। बकरी को शराब पिलाने के बाद फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया गया है। जादौन उसके साथियों की एक करतूत बताई जा रही है क्योंकि जिस फेसबुक आईडी से ये वीडियो डाला गया है उसमें यही नाम बताया जा रहा है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीएफए संस्था भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले, ऐसा मांग की जा रही है। वहीं बिजनौर में भी एक अनोखा मामला सामने आया है जहां एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी को दान दहेज के चक्कर में अपने घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसके तहत जज ने ससुराल वालों सुरक्षा मुहैया कराने को बिजनौर पुलिस को आदेश दिए, जिसके तहत पुलिस प्रशासन पीड़ित महिला को ससुराल पहुंचाने के लिए पहुंचा, लेकिन पुलिस प्रशासन की घंटों नोकझोंक के बाद भी आरोपी पति और परिजनों ने गेट नहीं खोला। मजबूरन पुलिस को गेट खुलवाने के लिए जेसीबी का सहारा लेना पड़ा। तब जाकर ससुराल वालों ने बुलडोजर के खौफ के मारे गेट खोल दिया। पुलिस ने पीड़ित महिला को ससुराल छोड़कर बाकायदा सुरक्षा मुहैया भी प्रदान की है। त्यागी सभा देवबंद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में इंटरमीडिएट के 60 और हाई स्कूल के 60 के छात्रों को कुल मिलाकर सभी छात्रों को सम्मानित किया गया। त्यागी सभा के संरक्षक एडवोकेट जनार्दन दास त्यागी ने बताया कि विगत 40 वर्षों से सभा देवबंद के त्यागी समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित करती है। इस बार 2021-2022 के 4 छात्रों को सम्मानित किया गया है। मेरठ में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। दिन रात हमारे बड़े मांगेराम त्यागी जी और अन्य नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अब पूरा समाज उनके समर्थन में धरने पर लगातार जा रहा है। कल भी गए थे लोग, परसों भी गए थे, रात में भी रुके वहाँ पे। प्रशासन से बात करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अब प्रशासन कितना सहयोग करता है, इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बिरादरी के लोग लामबंद हुए हैं और मतलब एक संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने बिरादरी के लिए। श्रीकांत त्यागी जी की अभी 3 मामलों में जमानत हुई है और जो झूठी धारा गैंगस्टर उन पर लगाई गई है, जो धारा उन पर बनती नहीं है, गैंगस्टर एक्ट की धारा उन पर बनती नहीं है, धारा लगाई गई है उसमें उनकी जमानत नहीं हुई है। सितारगंज में कोतवाली पुलिस ने 25 अगस्त को अमरिया रोड स्थित ट्रक यूनियन से चुराया गया ट्रक बरामद कर लिया है। पुलिस ने ट्रक चोर के साथ ही उसके पार्ट्स खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक ट्रक चोर कर गया जिसकी सूचना दी गई, उसका पुलिस द्वारा फौरन ही कार्रवाई की गई, टीमों को गठित किया गया, सीसीटीवी देखा गया और सीसीटीवी में ट्रक को ले जाते हुए तो फिर इसको कल रात परी में पकड़ा गया। जो कबाड़ी के वहाँ किसान भाई जो दुकान है उसकी कबाड़ी वहाँ टायर बेच रहा था और सामान बेच रहा था, उसको पकड़ा गया। 3 लोगों को इसको गिरफ्तार किया गया, ट्रक बरामद कर लिया गया। पुलिस ने काफ़ी मतलब मेहनत से कार्य किया, सीसीटीवी कैमरे देखे, अगर ये ट्रक नहीं पकड़ा जाता तो ट्रक जो है कटवाने का इरादा था। देहरादून में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं देर रात भारी बारिश के चलते देहरादून के राजपुर स्थित काठ बंगला में एक बच्चे और 2 महिलाओं के मकान में दबकर मौत हो गई। भारी बरसात से मकान ढहने की सूचना पर उत्तराखंड SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घटना की सूचना पर मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और उन्होंने प्राप्तियों को हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। सर्चिंग के दौरान SDRF टीम को घटनास्थल पर 2 महिलाओं और 1 बच्चे का शव मिला। ऋषिकेश क्षेत्र के रानी पोखरी में बड़ी वारदात हुई है जहां एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। मां पत्नी सहित अपनी 3 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह करीब 7 बजे की घटना बताई जा रही है। एसएसपी सीओ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। संसदीय इस घटना से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दादी कुटुंब परिवार सितारगंज की महिला सदस्यों के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम के लगभग 450 बच्चों को खेलकूद से संबंधित सामान दिया गया है। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
चंदौली के ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक परिसर में बैठकर सरकार को चेतावनी देने के लिए रणनीति बनाई है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी भी की है। सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों के बजट को काटने तथा विकास के लिए अतिरिक्त बजट नहीं देने की समस्या सहित अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन एक बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। 24 अगस्त को एक शासनादेश जारी हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि हर गांव में एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें प्रधान पद के सेकंड उम्मीदवार और अन्य विरोधी दल के भी लोग उसमें जुड़े रहेंगे। प्रतिदिन उसका MIS किया जाएगा और विस्तृत मनरेगा के तहत जो भी जानकारी होगी उस ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। उसी के विषय में और हर प्रधानों को जो है निधि में बहुत ज़्यादा सरकार द्वारा कटौती कर दी गई है, जिससे कि विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। इसी को लेकर आज प्रधान सभा की बैठक प्रदेश स्तर से दिशा निर्देश के अनुसार की जा रही है। इस बैठक में जो भी रणनीति बनेगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसको प्रधान संघ प्रदेश स्तर पर उठाने का काम करेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।